दैव के कारण हो रही है, किस हद तक किसी व्यक्ति के कारण हो रही है, और कैसे हमें जब हमारे जीवन में होता है, खास करके कुछ बहुत ही विपरीत होता है, उसे कैसे समझना है। तो अगर हम देखते हैं रामायण में, कोई अगर कोई भी मूवी होता है कोई, तो उसमें प्लॉट ट्विस्ट होता है, अचानक कहानी बदल जाती है, कहानी एक दिशा में जा रही है बदल जाती है, ठीक है। तो रामायण में दो बड़े प्लॉट ट्विस्ट, कौन से प्लॉट ट्विस्ट में बोल सकता है, अचानक कहानी एक दिशा में जा रही है, अचानक कहानी एक दिशा बदल जाती है, भगवान राम का वनवास, दूसरा है सीताहरण। तो जिला कारण में शनिवार रविवार को चर्चा करने वाले हैं, पर अभी हम यहाँ पे जो राम का वनवास, अभी जब ये सारी घटना हो जाती है, घटना का हम चर्चा करेंगे, ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं कि जब ये होता है उसके बाद में इस रामायण बताया गया कि दशरथ महाराज को एक शाप मिला, जिसके कारण वह अपने पुत्र के विरह में उनको अपना आश्चर्य त्यागना पड़ा। तो अभी जो भी हुआ कि ऋषि राम वनवास जाना पड़ा, अगर वो किसी ऋषि ने किसने शाप दिया था उनको, श्याम के माता पिता ने कि शाप दिया, उसके कारण ये हो गया। तो अगर वो उस शाप के कारण हुआ है तो फिर क्या कैकेयी को कहते हैं कोई गलती नहीं है, क्या मंथरा की कोई गलती नहीं है? तो जब कोई घटना होती है तो हम किस हद तक, जब कोई भी एक्शन एक्शन कहते हैं, कोई सिचुएशन आता है, कोई परिस्थिति आती है, वो कुछ प्रेजेंट एक्शन से आ सकती है, कुछ पास्ट एक्शन से आ सकता है, पूर्व हमने जो कार्य किया है उससे आ सकता है, जो अभी कार्य किया है उससे आ सकता है। और अब यहां पे जो कैकेयी का कार्य है जो होता है उसके हम चर्चा करेंगे, पर दो स्तर पे रामायण ने ऐसे बताया गया है कि एक तरह से वॉज कैकेयी रिस्पॉन्सिबल, कि क्या कैकेयी जिम्मेदार थी, तो दो स्तर पे बताया गया है। एक तरह हम कह सकते हैं नो, एक कारण था कि वो कर्ज था, जो मैं बताया दशरथ महाराज को शाप मिला, और दूसरा ऋषि राम स्वयं लक्ष्मण भरत से कहते हैं, जब भरत उनके पास आता है याचना करने के लिए, आप व्यायाम पुनः राज्य स्वीकार करने के राज्य, तब अपने बादों का अंत में देते हैं, वो जब जा रहे होते तो तभी तुम श्री राम भरत को बताते हैं कि तुम अपनी माँ के प्रति क्रोधित न करो, ये सब दैव का योजना, तो ये सब दैव की योजना। तो एक है तुम श्री राम का स्टेटमेंट है। तो फिर इस तरह से देखेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि कहते हैं कि शायद कोई गलती है नहीं, ये एक तरह से होने ही वाला। तो जब कोई बुरी घटना हो जाती है तो किस हद तक हमें देखना चाहिए कि ये होने ही वाला था, ये दैव था, ये नियति थी, और किस हद तक हमें देखना चाहिए कि मैंने क्या किया या किसने क्या किया इसके कारण ये। तो हम दूसरी दूसरी देखेंगे तो एक तरह से है स्वयं कैकेयी जो होती है, कैकेयी के ऐसे कई गीत है कि वो बहुत विलाप करती है, मैंने क्या कर दिया, पहले तो बड़े इच्छुक दिल की हो जाती है वो जब राम का वनवास होता है, पर बाद में उसे समझ में आता है तो उसे बहुत दुख होता है कि मैंने क्या, बहुत बड़ी गलती की, उसको पश्चाताप होता है, उसको ग्लानी होती है। तो क्या अगर उसकी ग्लानी, उसको अगर दुख हो रहा है, उसको लगता है एहसास हो रहा है मैंने गलती की, तो क्या वो भाव माया है, क्या वो भाव सही है? दूसरी ओर देखेंगे, एक और चीज से हम देखते हैं तो जो भरत फिर भी उससे क्रोधित रहे,
यद्यपि राम बोल देते हैं उनको ऐसे ही लक्ष्मीनारायण भरत सीधा उनका जो संबंध है एकदम नॉर्मल है उसका, फिर भी भरत काफी हद तक तरीके से नाराज है। एक और दूसरी से हम देख सकते हैं कि इसमें जब भी हो जाता है ये सब कुछ तो एक तरह से बहुत बड़ी गलती थी, बट कैकेयी इज नॉट पनिश, उसको कोई सजा नहीं दी जाती। दूसरे देखते रावण सीता का अपहरण करता है तो उसे उसको सजा मिलती है, उसको युद्ध में उसका वध होता है, उसको कैकेयी कोई सजा नहीं मिलती। तो एक तरह से जब किसी से जब कुछ घटना हो जाती है तो क्या उस व्यक्ति को हमें जिस व्यक्ति के अगर अनुभव हुआ है हमको ऐसे लगता है इस व्यक्ति के अगर हुआ है उस व्यक्ति को किस हद तक हमें जिम्मेदार मानना है और किस हद तक समझना है कि नहीं ये तो होना ही वाला था, ये अनिवार्य था, ये दैव था। तो ये जो विचार है ये हर पहली बार शास्त्र में, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तभी भी यही विचार आता है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है जो उसके पहले व्यासदेव और धृतराष्ट्र में एक संवाद होता है और उसमें व्यासदेव धृतराष्ट्र बोलते हैं कि तुम अपने पुत्र को रोको, कौन से पुत्र को, अगर तुम उसको नहीं रोकोगे तो सारे कुल का विनाश हो जाएगा। और ऐसा बोल के वो उसको निवेदन करते हैं, आदेश देते हैं, आदेश नहीं उपदेश देते हैं। तभी धृतराष्ट्र कहता है कि जिस तरह से प्रसन्न हुए मुझे तो लगता है ये दैव ही है, अगर दैव की इच्छा ये है कि हमारे कुल का विनाश हो जाए तो मैं तो एक छोटा सा मानव हूं, मैं क्या कर सकता हूँ दैव को। और तभी व्यासदेव बड़े गंभीर हैं, अब व्यासदेव कहते हैं कि हे राजा दैव की क्या योजना है यह हमें समझना बड़ा मुश्किल है, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें देखना कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो इस परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य क्या है इसके बारे में तुम विचार। तो यहां पे व्यासदेव ये नहीं कहते कि दैव नहीं है, पर वो ये नहीं कहते कि दैव है, वो कहते हैं दैव जानना बड़ा मुश्किल है। पर वही व्यासदेव जब युद्ध हो जाता है उसमें धृतराष्ट्र के सारे 100 के 100 पुत्र का वध जाता है, उसके बाद में धृतराष्ट्र बहुत विलाप करते हैं और तभी व्यासदेव आते हैं धृतराष्ट्र के पास, कहते हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ये जो युद्ध था वो दैव की योजना था। और बताते हैं कि जैसे कुछ समय पहले सारे देवताओं ने बातचीत की थी, देवताओं ने विष्णु से याचना की थी और जो असुर थे वो इस पृथ्वी में जन्म लेने वाले थे और देवता भी इस पृथ्वी में जन्म लेने वाले और उन दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। तो यहाँ पे वो कहते हैं क्या ये दैव का योजना है पता नहीं कहते, पर वही व्यासदेव जब युद्ध हो जाता है तो कहते हैं ये दैव की योजना। तो अभी तो क्या है दैव की योजना है या दैव की योजना नहीं है, तो ये जो सवाल है कई बार हमारे जीवन में भी आता है, कुछ हो जाता है कहीं कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ भूल जाता है, कुछ बड़ी समस्या जाती है, तो शायद इस व्यक्ति ने कुछ किया, उस व्यक्ति ने कुछ किया, पर केवल वो अभी जो होता है वो केवल उस व्यक्ति के कारण से होता है, कई अनेक परिस्थितियां भी आती है और उसके कारण होता है वो, ये कई बार समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ हद तक किस हद तक जो हमारे जीवन में होता है वो अगर हम देखेंगे कहीं कहीं की परिस्थिति देखते हैं या अगर हम धृतराष्ट्र की परिस्थिति करें कहीं कहीं परिस्थिति देखते हैं उसमें कई चीजें होंगी। एक तो अभी जो हम कहते हैं कि राम का
कोरोनेशन होने वाला था, उनको युवराज बनाया जा रहा था, राजा होने वाला था। वो कहानी एक जा रही थी पर अचानक क्या हो गया, पूरे दूसरे जन्म राम वॉज एग्जैक्ट, तो उनका वनवास होने। तो ये जो अचानक पूरी कहानी की जो दिशा बदल गई है वो क्यों हुई, अगर हम देखते हैं तो ये जो ट्विस्ट जो था उसका एक कारण कह सकते कई कई, दूसरा कारण कह सकते मन का, पर क्या कोई और कारण भी थे उसके लिए? उसी परिस्थिति हम देखते हैं तो अगर मंथरा वो कई कई को कैसे उकसा पाए, कैसे उसके कान भर पाए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि तभी भरत एब्सेंट थे, अगर भरत वहां पे होता तो फिर शायद भरत कैटी का समझा लेता, या खास करके वो कैसे बता पाती है मंत्रा के लिए सारा षड्यंत्र है, वो कहती है इतनी जल्दी क्या है, राजाभिषेक कर दी, युवराज अभिषेक कर दी, ये सब भरत के न होने में क्यों किया था? तो ये भरत को साइलेंट कर दिया, ये एक षड्यंत्र। तो हम कह सकते भरत एब्सेंट क्यों थे कि अभी दशरथ महाराज का डिसीजन था, क्योंकि बोला जल्दी करना है, राजा मुझे जल्दी है ट्रांसफर ऑफ पावर, तो अभी क्या उनकी गलती है? तो अभी कैसे होता है कि इस जगत में जो भी होता है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पे दैव की स्पर्श को जान नहीं रहे, यहाँ पे हम सिर्फ जो हमारे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ये जो हो रहा है वो क्यों हुआ। मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते हुए फोन क्यों देखता है, या फोन क्यों देखता है अचानक उसी समय कोई लड़का रास्ते में चलते दौड़ के आता है उनकी गाड़ी सबके पर उसको हेल्प कर। तो अभी कह सकते हैं कि तुम फोन देख रहे जिसकी गाड़ी था, सही है, पर तो कितने बार ऐसे होता है कि हम फोन देखते हैं कुछ नहीं होता, तो कई बार क्या होता है अभी कितने बार ऐसे होता है उनको कहते हैं बच्चे को माता समझाना चाहिए था रस्ते पे दौड़ना नहीं चाहिए, पर कितने बार ऐसे भी होता है कि बच्चा रस्ते पे दौड़ता है तो कुछ नहीं होता। तो कैसे होता है कि जब कोई बहुत बुरी घटना होती है तो इट्स लाइक डिटेक्टिव नॉवल में कहते हैं कि ही वाज ऑन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, तो कई ऐसी घटनाएं एक साथ हो जाती है, एक दो तीन बुरी चीजें उस समय तो वो सब जो साथ में होती है तो कोई कार्य बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर उसमें अभी कई कई कह सकते हैं जिम्मेदार है, बट अगर जिम्मेदार है तो किस तरह से कैसे भगवान भविता बताते हैं गहना कर्म कि जो कर्म होता है वो कैसे होता है ये समझना बड़ा मुश्किल है। गहना क्यों बताते हैं, कर्म ये शब्द है वास्तव में इसके अनेक अर्थ है, कर्म का अर्थ क्या है बोल सकते हैं साधारण जो हम कार्य कर रहे हैं उसको हमें हम कर्म कहते हैं कि हमें हम सबको कर्म करना है, भगवत कहते हैं कि हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, हमेशा कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहे हैं, जातु कर्मण्य अतन्द्रित, हाँ हम रह नहीं सकते कर्म के, कोई अर्थ है कर्म का जो हमारा कर्तव्य है जो हमसे अपेक्षित है, इस अर्थ से कर्म का होता है ड्यूटी, या कर्म का एक और अर्थ होता है धर्म जो हमें करना है, तो ये अर्थ है कर्म का क्या बुरा कर्म किया तुम मेरे जीवन में आ गए, तो उसमें क्या होता है दैट इज एक्चुअली रिएक्शन टू पास्ट एक्शन। यहाँ पे दैव थोड़ा अलग चीज है, देखेगा दैव का है, पर हम कहते हैं कि हम सबको अपना कर्म भुगतना पड़ता है, मतलब क्या है जो हमने कर्म किए हैं उसके फल हमें भुगतने,
और फिर तुम कहते हैं कर्म का नियम से कोई नहीं बच सकता, तो कर्म का एक और अर्थ है लॉ, द लॉ ऑफ कर्म। लॉ मतलब क्या है यहाँ पे, जो एक्शन रिएक्शन, जो कार्य से जो प्रतिक्रिया होती है, जो परिणाम होता है, एक्शन रिएक्शन कनेक्शन, उसके जो सिस्टम है उसको भी हम कर्म कहते हैं। तो कर्म के अनेक अर्थ है। तो अभी जब हम कोई कार्य करते हैं उससे कुछ होता है, तो अभी वो किस हद तक, वो किसने कार्य किया उसी कारण वो ऐसे हो गया, जो भी हुआ वो किसने किया, क्यों हुआ, अभी ये समझना होता है, वो आसान नहीं है। अभी मुझे यहाँ पे एक बचपन से स्कार है, जब 2 साल का था तभी दिवाली का रॉकेट को जला रहा था, और वो रॉकेट ऊपर जाने के जगह पे साइड में चला, और जहां पे मैं बैठा था बाकी सब बच्चों के साथ बैठा था मैं, वहां पे वो रॉकेट आया। अभी जब 2 साल का था मतलब ये हुआ, 1 साल का था मेरे पोलियो हो गया, तो बाकी सारे जो बच्चे थे वहां से दौड़ गए, पर मैं वहां से दौड़ नहीं पाया, तो फिर रॉकेट यहां से आया यहां चला। तो तभी मेरे माता पिता वहीं पे पास में थे, मैं देखा पर कुछ नहीं करी। तो अभी किस हद तक जिसने वो रॉकेट लगाया वो जिम्मेदार है, कह सकते उसने रॉकेट लगाया तभी यहाँ तक मुझे याद है, रॉकेट जब लगाते हैं तो सीधा रखते हैं उसको, पर जहां तक मुझे पता है कि या तो उसने उस ध्यान तो सीधा ही रखा, या उस समय कुछ हवा का झोंका आ गया, जो भी हो गया वो ऊपर जाने की जगह पे इधर साइड, तो अभी कह सकते हैं वो जिम्मेदार है। पर उसने तो किसी को घायल करने के तो किया नहीं, वो तो सेलिब्रेट कर रहा है, फिर अभी वो जिम्मेदार नहीं है। तो शायद अगर माता पिता बाजू में होते थे शायद वो गाड़ी को खींच सकते थे, पर वो वहां पे उस समय नहीं, क्या उनको जिम्मेदार मानना चाहिए। तो अभी क्या है कि जब जगत में बुरी घटनाएं हो जाती हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि वी वांट टू फाइंड समवन कि तुम्हारे कारण ऐसे, और इसका कैसे होता है कि जब भी कोई एडवर्सिटी कोई विपत्ति आती है, तो एक है कि दो एक्सट्रीम हो सकते हैं कि ब्लेम अदर्स, किसी और को दोष, पर दूसरा एक्सट्रीम है कि ब्लेम वनसेल्फ कि मैं ही सबकी जिम्मेदारी। अभी कभी कभी जिम्मेदारी जरूरी है, पर जितनी खुद की गलती है, जितना खुद जिम्मेदार है, उससे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदारी लेता है तो उससे भी उस व्यक्ति के लिए वो अच्छा नहीं होता, उनके मेंटल हेल्थ के लिए वो हमेशा गिल्ट में रहते हैं, नकारात्मक भाव में रहते हैं। तो क्या है कि ये दोनों एक्सट्रीम है, किसी एक जिसको हम दोष देते हैं जो हुआ है उसके लिए, साधारणता क्या होता है उसके प्रति धीरे धीरे हेट्रेड आ जाता है। हेट्रेड मतलब नफरत। अभी जो एंगर है, क्रोध और नफरत, इन दोनों में कुछ फर्क है? नफरत शब्द हो गए, पर एंगर जो होता है उसको टेम्पररी होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, जो क्रोध आता है कुछ समय से चला जाता है, और ये हेट्रेड लॉन्ग लास्टिंग होता है, और जो शॉर्ट लिव्ड होता है उससे क्या होता है, इट इज मोर इंग्लिश में कहते हैं हॉट हेडेड। हॉट हेडेड मतलब गर्म दिमाग वाला होता है, गुस्सा आता है, कुछ बोल देता है, पर जो नफरत करता है वो पूरा कोल्ड ब्लडेड हो जाता है। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या, कि वो कभी मुझे नफरत कर रहा होता है वो ऐसे दिखाव भी कर सकता है कि मुझे कोई नफरत नहीं, मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ। वो साधारण जब क्रोध होता है उसको छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग छिपा सकते हैं पर क्रोध को छिपाना मुश्किल होता है, पर जो नफरत होता है पूरा षड्यंत्र बनाता है, मुझे इसका बदला लेना है, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा,
तो अभी इन दोनों में से कौन सा ज्यादा घातक है? हेट्रेड. तो अभी जो हम किसी को ब्लेम करते हैं तो पहले एंगर आ सकता है, पर जनरली जो एंगर होता है वो क्रोध और हेट्रेड तक कब जाता है? जब व्हेन इट इज अनरिजॉल्व. कि वो क्रोध को या तो हम उसको व्यक्त नहीं करते हैं या क्रोध से कुछ स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, क्रोध को एक खुद प्रयास करके उसको छोड़ते नहीं थे, तो वो जो उससे क्या होता है, उससे वो हेट्रेड हो जाता है. तो अभी ऐसे जो जो किसी नफरत करना है वो बहुत ही घातक है. तो अभी चाहे हम किसी दूसरे को दोष देते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति हम, और अगर खुद को दोष देते हैं तो कोई व्यक्ति खुद की ओर खुद को भी नफरत कर सकता है. कई अभी साधारण बस खुद को तो बहुत अहंकार होता है, खुद की ओर नफरत नहीं करते, वो एक तो सत्य है पर जो उनका कंप्लीट होता है. कई बार ऐसे होता है कि लोग जो होते हैं अंदर से ही खुद को पीट करते हैं, मैं मूर्ख हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं चीज ऐसे नहीं हूँ, मैं वैसे नहीं हूँ. तो ये पहले सेल्फ पिटी हो सकता है, फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, देन उसके बाद में वो सेल्फ इंग्लिश में लोटिंग, क्यों उसको नहीं चल. अभी ये नम्रता नहीं है. नम्रता मतलब क्या है कि हम भगवान के ऊपर देखे भगवान कितने बड़े, पर ये जो है मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना बुरा हूं, ये नम्रता नहीं है. भगवान कितने महान है, एज अ डिफरेंस बिटवीन कंसिडरिंग वन सेल्फ स्मॉल एंड कंसिडरिंग वन सेल्फ बैड. नम्रता जो है वो क्या है कि आई एम स्मॉल, मैं कोई छोटा हूं, ये जगत बहुत बड़ा है, मेरी क्षमता छोटी है. क्या हम सब में बुराई है? हाँ बुराई है, पर वो बुराइयों पे चिंतन करने से नम्रता नहीं आती. वो बुराइयों से चिंतन करने से वास्तव में आवर रिलेशनशिप विद आवरसेल्फ, हमारा क्या संबंध है वो खराब है. हम खुद की ओर ही नकारात्मक भाव से देखते हैं. अगर हम भगवान के अंश है, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें सारे भगवान के अंशों का आदर, तो जो ये अंश है इसका भी आदर करना चाहिए. तो ह्यूमिलिटी इट इज नॉट सेल्फ पिटी, खुद को बुरा देखना, एंड सर्टनली इट इज नॉट सेल्फ हेट, खुद को बुरा मानना. ह्यूमिलिटी क्या है? इट्स बेस्ड ऑन हाउ स्मॉल आई एम, नॉट ऑन हाउ बैड आई एम. तो ये स्वीकार करना कि मुझ में कोई कमियां हैं, मुझ में कुछ गलतियां हैं, कड़ी गलतियां की है, वो सब वो जरूरी है, पर वो चिंतन करके वास्तव नम्रता नहीं है. वो चिंतन करने से वास्तव में व्यक्ति कुछ बहुत अहंकारी है तो थोड़ा उसको उसका जो मैं इतना बड़ा हूं वो नहीं समझेगा. पर इट कैन नॉट बी अवर स्टडी मेडिटेशन, हमेशा वो चिंतन करना. प्रहलाद महाराज कहते हैं तस्मान अहम विगत विक्लव ईश्वर. तो प्रहलाद को नरसिंहदेव प्रार्थना करने को बुलाते हैं, तो प्रहलाद सबसे पहले कहते हैं यहाँ शायद देवता गण है, मेरा तो असुर कुल में जन्म हुआ है, मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ. अहम उग्र जाते, मेरा तो उग्र कुल में जन्म हुआ. तो बाद में वो कहते हैं कि भक्त्यातितोष भगवान गजयुक्त पाय, इतने भगवान आप केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, इसीलिए जितनी भी भक्ति मेरे हृदय में है उसके साथ मैं आपका गुणगान करने का प्रयास. और वहां पे प्रभुपाद जी अपने भाषांतर बताते हैं कि आई विल स्टॉप कंटेम्पलेटिंग ऑन माय अनफिटनेस, कि मैं अपात्र हूं इससे मैं चिंतन नहीं करूंगा. मैं आप कितने महान हूं, मैं ही घृणामि, मैं आपका गुणगान करूंगा. तस्मात् अहम् विगत विक्लव ईश्वरस्य. तो यहाँ पे जो है जो विपत्ति आती है तो उसे खुद को दोष देना, खुद को दोष देना या दूसरों को दोष देना, ये दोनों एक्सट्रीम हो सकते हैं. इसमें बीच में क्या है कि हमें वी वांट टू सी द होल पिक्चर, कि जो पूरा क्या घटा है वो देखना जरूरी है. तो अभी जो रामायण की घटना हुई उसमें ये सही है कि
कई कई ने गलत फैसला किया, तो मैं कहते कई कई को अंतरा ने उनको मन में जहर बन गया और उसका प्रभाव इस पे बन गया। तो अभी जो गलती होती है, जब कोई गलती करता है तो इसमें वास्तव में गलतियां अलग अलग प्रकार की होती है। कैसे होता है कि कुछ हम कह देते हैं कि दो प्रधान, एक है सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंशियल मतलब परिस्थिति से जुड़ी, और दूसरी है इंटेंशन, इंटेंशन मतलब जानबूझ के। क्योंकि तो परिस्थिति के कारण हुई है उसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है? नहीं, वो जिम्मेदार है, पर किस हद तक जिम्मेदारी वाला क्या सर्कमस्टेंस से फर्क क्या होता है? साधारणतया जब कोई घटना हो जाती है तब बोल सकते अगर इस व्यक्ति ने ऐसे नहीं किया होता तो ऐसे नहीं होता, पर हम कह सकते हैं कि अभी कोई लड़का दौड़ रहा है स्कूल रस्ते के बीच में, तो वो माता पिता की गलती है, लड़के की गलती है, पर जो ड्राइविंग कर रहा था उसकी भी गलती है। तो अभी क्या होता है कि कोई साधारण बार बार शराब पी के ड्राइविंग कर, तो फिर वो उसकी गलती बहुत ज्यादा है, तो साधारण ड्राइविंग कर रहा है चल। तो कई बार हम पीछे देख सकते हैं क्या हुआ कैसे हुआ और उससे थोड़ा फायदा है, पर खास करके जब हमारा किसी से कोई लॉन्ग लास्टिंग संबंध है, हमारे परिवार वाले हैं, कोई मित्र है, हमारे संतान में भक्त है, तो कोई लॉन्ग लास्टिंग संबंध है, तो हम सब कभी ना कभी गलती करते हैं। तो रात जो होता है, जो घटना होती है, विपत्ति होती है, जो बुरी घटना होती है, उसके जनरली जब हम देखना है हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो जो घटना घटी है, जो एडवर्सिटी विपत्ति हुई है, तो उसके बिफोर क्या हुआ में देखते हैं, उसके आफ्टर उसके बाद में क्या हुआ है। तो पहले देख सकते हैं, तो किस हद तक देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वास्तव में किस हद तक कौन जिम्मेदार है। तो पर उससे महत्वपूर्ण क्या है कि साथ साथ ही देखने की उसके बाद क्या। तो साधारणतया जब आफ्टर में देखते हैं, जब कोई गलती करता है तो दो चीजें हैं कि एक है कि उसको अंदर से कितना पश्चाताप हो रहा है, रिमोर्स। तो अंदर से उस व्यक्ति को लग रहा है मैंने बुरा किया, और दूसरा है रिफॉर्म। तो रिमोर्स जो है ये इंटरनल है, रिफॉर्म मतलब क्या है, ये कार्यों में वो व्यक्ति बदलता है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर ये दो चीजें हम देखते हैं, जब कोई गलत कार्य कर देता है तो हमें ये देखना है कि क्या वो व्यक्ति उसको अंदर से पश्चाताप हो रहा है और दूसरे बाहर से कुछ परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है। तो अभी हम कैके का उदाहरण देखते हैं, तो क्या कैके को अंदर से पश्चाताप हुआ? जरूर हुआ। तो और क्या कैके ने कुछ परिवर्तन दिखाया? कैसे जानते हैं? तो जो रिफॉर्म था प्रदूषण सुना दे रहे, तो वो स्वयं निवेदन करने गए प्रदूषण से वापस आ जाए, तो वो उसे कार्यों से दिखाया कि रिफॉर्म। इसके विपरीत अगर हम रावण देखते हैं, क्या रावण को कुछ ग्लानी हुई? बिल्कुल नहीं। दुर्योधन ने जब पांडवों को वाराणावत में जलाने का प्रयास किया तो क्या उसको कुछ इसको रिमोर्स कह सकते, एक मोर फैमिलियर वर्ड है रिग्रेट, रिग्रेट रिग्रेट हुआ उसको कुछ नहीं, उसको बहुत रिग्रेट,
सो रिग्रेट था कि मेरी योजना यशस्वी नहीं हुई. मैंने कुछ गलत किया ये एहसास नहीं था. कैसे होता है कि गलती होने के बाद भी अलग अलग चीजें होती है कि जो आफ्टर जो होती है ना, आफ्टर एडवर्स आफ्टर कोई गलती हो जाती है तो आई कैन बी शेम. मुझे लगता है कि मैं गलती की है. ऐसे हो सकता है कि उसके जब मुझे भय होता है, भय और एक्चुअली शेम या रिग्रेट मुझे भावना थोड़ी अलग है बट पढ़ना मिल गया. एक है कि दिस इज फॉर द रॉन्ग कि मैंने कुछ गलत किया. पर जब स्केयर होते हैं कई बार क्या होता है वो इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रॉन्ग कि मुझे मैंने जो किया वो बुरा था या नहीं था पर मैं पकड़ा गया वो प्रॉब्लम. तो जब ऐसे हो रहा है तो कोई भयभीत है. भयभीत इसलिए है कि मुझे अभी सजा मिलने वाली है या भयभीत इसलिए है कि मैंने गलती की. ये दोनों अलग भाव. ये रावण को कोई भी रिमोर्स नहीं था, मैंने कुछ गलती की. और अगर हम देखते हैं क्या उसमें कुछ रिफॉर्म था, बिल्कुल नहीं था. जैसे सीता का उसने किया, उसके पहले उसने कई बार और लोगों के साथ भी करने का प्रयास किया था. वेदवती पे उसने कुछ किया था, फिर रामभाग किया था उसने. तो फिर ऐसे पहली बार नहीं था, तो बार बार करके रिफॉर्म नहीं था उसने. और जब भी पुरुष राम ने कहा तो जो हो गया ठीक है सीता को लौटा था उसके लिए थी. तो साधारणतया जब कुछ बुरी घटना हो जाती है तो कई बार हमारा मन क्या रहता है कि इसके कारण हो गया. हो सकता है उसके व्यक्ति के बहुत कुछ कार्य किया होगा, उसके ऐसे कुछ किया होगा जिसमें मेजर कॉज था, प्रधान कारण हो सकता है. पर फिर भी महत्वपूर्ण क्या है कि उसके बाद में उस व्यक्ति का भाव क्या है. तो अभी जो कैकेयी का भाव था वो उस समय ऐसा था कि उसको बहुत अच्छा था. तो अभी मतलब जो एक किसी ने कहा उसको सर्कमस्टेंशियल लॉ, एक परिस्थिति के कारण. तो क्या परिस्थिति के कारण हो गया मतलब व्यक्ति जिम्मेदार है ही नहीं, व्यक्ति जिम्मेदार है पर कैसे कि जस्ट अ बैड एक्शन डज नॉट मेक अ बैड पर्सन. इसी व्यक्ति ने बुरा कार्य किया है इसे व्यक्ति, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बुरा व्यक्ति. बुरा कार्य कोई कर सकता है पर बुरा कार्य मतलब कोई बार बार कर रहा है बुरा कार्य जो कर. जनरली जब कोई बुरा कार्य करता है और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं बैड पर्सन, तो ये निष्कर्ष है कब वैलिड है ये, इसके लिए तीन चीजें. इट इज रिपीटेशन, वो बार बार कर, न केवल वो बार बार कर रहा है पर वो जो कर रहा है वो एग्रेवेटेड हो रहा है. जो कर रहा है बहुत बुरा चीज करता है. सबसे पहले दुर्योधन ने क्या किया, भीम को मार दिया, भीम को जहर दिया. उसके बाद में सारे पांडव, न केवल सारे पांडवों को, उसके साथ साथ उनकी माता को भी मारने का प्रयास किया. माता ने उसको कुछ नहीं किया. क्षत्रिय तो योद्धा होते हैं, युद्ध करते हैं एक दूसरे से, अभी तो सामने से युद्ध करते हैं, आक्रमण नहीं करना चाहिए. पर फिर भी वो तो मां जैसे उसको भी चलाना, ये तो बड़ा ही शेमलेस था, अधार्मिक था. तो अगर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो न केवल कार्य करते रहता है पर और बुरा कार्य,
और जब बुरा कार्य करता रहता है तो क्या होता है, उसके बाद में वो नॉनशलांट हो जाता है। नॉनशलांट मतलब क्या, परवाह नहीं करता, इतनी छोटी सी बात पूरी बुरी को, सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो जब ये जो तीन चीजें हैं, जैसे आर के प्राण अखंड के ऐसा जो है वो व्यक्ति 10% रनिंग डाउन अ वेरी डाउन डार्क, तो अगर वो बार बार कार्य कर रहा है वही कार्य और बड़ी मात्रा में कर रहा है और करने के बाद भी बड़ा ही लापरवाह होता है, तो छोटी इतने बड़ी क्यों बना रहे, तो फिर जरूर ये वैलिड है। पर कैकेयी साहब देखते हैं कि वो उनके साथ वो ऐसा कार्य करती है पर वो एक ही बात उसे बहुत काफी परिणाम होता है। तो अभी तो विश्वनाथ का सवाल था, आई गो बैक टू दैट एंड देन यू कंक्लूड, कि जो दैव दैव किस हद तक रिस्पॉन्सिबल, कि किस हद तक वो दैव रिस्पॉन्सिबल है, किस हद तक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है जब कुछ होता है, कुछ बुरी घटना घटती है। कैसे होता है कि डेस्टिनी क्या डिटरमिन करता है और क्या डिटरमिन नहीं करता है, व्हाट डेस्टिनी डिटरमिन्स। दैव केवल हमारी परिस्थितियां निर्धारित करता, दैव कभी हमारे फैसले निर्धारित नहीं करता। दैव के कारण क्या होता है कि जो परिस्थिति में हम होते हैं वो परिस्थिति दैव से आती है, जो फैसले होते हैं वो हमारे होते हैं। ये एक तरह से ये ब्रॉड है, कभी भी दैव ऐसे नहीं कि हमें जबरदस्ती कुछ कार्य करवाने को बताता है, हमारे कार्य हमारे होते हैं। तो ये ब्रॉड सेपरेट डिफरेंस है। पर कैसे होता है, कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि सिचुएशंस और डिसीजंस, मेक से कह सकते हैं कि ये दोनों अलग है, भिन्न है, कि तुम्हारा फैसला तुम्हारा था, परिस्थिति कुछ भी, पर इनमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि उसमें जो कोई डिसीजन होगा वो अनलाइकली हो जाता है, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है उसमें वो बहुत लाइकली, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो करेगा। अभी हम जान नहीं सकते कि मान लीजिए कि किसी को हम हमारे घर में बुलाते हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, और फिर हमें अचानक से बाहर जाना पड़ता है, और फिर बाद में जब हम घर में आते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति चला गया, उसने नया घर से कुछ चोरी कर, अतिथि के रूप में घर में बुलाया, बाद में चलता है कि शायद उनके 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 घर में कोई बच्चा बहुत बीमार था और पैसे चाहिए थे, पैसे भी नहीं मिले थे, शायद उसी समय हमने जो हमारे घर का लॉकर था लॉकर खुला रख दिया, मैं देख लिया वो, और फिर उन्होंने वहां से पैसे ले। तो अभी उनका पैसा लेना एक बुरा चीज है, पर क्या है वो सिचुएशन जिस तरह से आ गया था, मल्टीपल चीजें थी कि उनके परिवार में कुछ समस्या थी, उस समय हम भी घर से चले गए, हमारे घर का लॉकर भी खुला रह गया तभी, तो क्या हो गया उस समय में वो लाइकली हो जाता है, उस समय में वो होना, ऐसे नहीं कि वो इनएविटेबल, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती करना है, वो ना बोल सकते थे, पर क्या है कि कभी कभी सम सिचुएशंस मेक सम एक्शंस प्रोबेबल, वो होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और मान लीजिए कि कोई हम घर में हैं और कोई लॉकर तोड़ता है, लॉकर तोड़ने को निकालता है, और तभी जानबूझ के क्या वो टीवी से बैठी सुन रहा, टीवी का वॉल्यूम बहुत बड़ा कर देता है, अगर कुछ लॉकर तोड़ने का सुनी था, तो क्या है वो जो है एक है कि कुछ उस, जैसे मैंने एंगर और हेटर में फर्क बताया था, एंगर जो होता है वो एक पल के लिए आता ही समझ जाता है, और जो नफरत होती है काफी समय की रहती है। तो वैसे क्या होता है कि जो रॉन्ग डूइंग होता है, जो ये एक इम्पल्सिव हो सकता है, इम्पल्सिव मतलब उस पल में वो भाव आ गया कर दिया, और दूसरा है कैलक्यूलेटेड,
तो जो इम्पल्सिव होता है वो कई बार सर्कमस्टेंशियल होता है, जो परिस्थिति में वो परिस्थिति ऐसी आ गई और उस समय उस व्यक्ति के मन में वो अर्ज आ गया और फिर वो कार्य कर देते। अब उस व्यक्ति की गलती है फिर, पर अगर हम पता चलता है कि उसकी गलती ऐसी है तो बता देते जो मैं तुमको भाई जरूरत ऐसी चोरी करने की जरूरत थी, तो वी कैन अंडरस्टैंड। तो अभी जो कैगिन का जो फैसला था, जो कैगिन ने जो किया वो गलत था, एट द सेम टाइम जो परिस्थिति थी वो हम देख रहे कि देयर इज, जब कोई गलती होती है ना, देयर इज अ मिस्टेक, मिस्टेक और मिसडीड। मिस्टेक मतलब वो गलती होती है, मिसडीड मतलब बुरा कार्य होता है। पर क्या है कि कभी कभी वो समथिंग कैन बी अंडरस्टैंडेबल इवन दो इट इज नॉट एक्सक्यूजेबल। ये दो अलग चीजें हैं। अंडरस्टैंडेबल मतलब मैं समझ सकता हूं तुमने क्या, उसका मतलब ये नहीं कि तुमने जो किया वो गलत है, ऐसा ही है, कुछ गलत नहीं है। बट क्या कई बार क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों में बेसिकली अच्छा संबंध होता है तो दूसरा व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता भी है तो क्या होता है कि हम उनको समझने का प्रयास करते हैं ऐसे क्यों किया। तो और अगर वो कम से कम समझ तो पाए तो हम समझ सकते कि तो हम उससे थोड़ा ओके परिस्थिति के कारण समझते हैं और परिस्थिति के कारण हम वो व्यक्ति को थोड़ा एक्सक्यूज कर सकते। तो सम थिंग्स कुड बी अंडरस्टैंडेबल बट कैसे कि यह है कि जो कई चीजें अंडरस्टैंडेबल चार पार्ट पार्टन लेटर अंडरस्टैंडेबल होता है और एक्सक्यूजेबल होता है। तुमने क्यों किया ये समझता हूं मैं, छोड़ दो इसको ज्यादा जरूरत नहीं है। पर कुछ चीजें ऐसे जब कोई व्यक्ति गलत करता है और वो गलती से जब वो रिश्ता ही टूट जाता है तो उसमें क्या है, दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो। या तो हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं या वो व्यक्ति भी समझाने का प्रयास नहीं करता कि ये क्यों किया, क्या विचार कर रहे थे। कभी नहीं, हर व्यक्ति जो कार्य करता है वो कुछ ना कुछ तो विचार करता है उसके प्रति। तो अभी कुछ ऐसे हो सकते हैं कि हम जो समझ रहे हैं ठीक में समझ गए क्यों, तो दैव से क्या होता है, दैव से वो परिस्थिति आ सकती है, पर दैव से ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि कुछ करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जब वो मुश्किल होता है फिर भी वो व्यक्ति करता है तो फिर वो जो है वो सर्कमस्टेंशियल नहीं है, वो इंटेंशनल है। अभी रावण ने जब सीता का अपहरण किया तो तभी क्या था, रावण को पहले मारीच ने बताया कि तुम ये राम के खिलाफ मत जाओ। रावण को पहले से पता था कि मानवों से मुझे जो है संरक्षण नहीं मिलेगा। तो ऐसे के रावण वहीं से जा रहा था, अचानक सीता को देख लिया, सीता के आकर्षण हो गया, उसको अपहरण कर दिया, पूरा चमन देखा। तो इसलिए जो है तो उसको पूरी तरह से उसको जिम्मेदार उसको गुनहगार माना जाता है। पर जो कहते ही है वो परिस्थिति ऐसी आ गई। तो अभी जो मैं पहले यहाँ पे देखा था कि दोनों तरह से आता है, कई चीजें ऐसी होती है कि हम कह सकते हैं क्या कहते जिम्मेदार थी या कहते जिम्मेदार है। तो क्या है कि जो व्यक्ति ने कार्य किया है उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि जो मैंने किया है बुरा, वो व्यक्ति ने परिस्थिति को ब्लेम नहीं करनी चाहिए। अरे वैसे चीज आगे मैं क्या करता था, कर दिया मैंने। पर दूसरे लोग हैं उन्हें देखना चाहिए कि ठीक है, हम सब के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें कुछ
हम टेम्पटेशन आता है कुछ कम हमारे हमारे अंदर कमजोरी होती है वो दिख जाती है. तो बेस्ट क्या है कि जब हम रिलेशनशिप्स में हैं कि जब कोई व्यक्ति दो संबंध में है और वही काम भगवान बताते हैं यस्मान लोग विजेते ये लोग को लोकान लोग विजेते चाहिए जो दूसरों को विचलित नहीं करता है और जो दूसरों से विचलित नहीं होता. ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय. तो इसका मतलब अंदाज होता है अगर ये व्यक्ति ने ये व्यक्ति रॉन्ग डूअर है और ये दूसरा व्यक्ति है वो उसका अफेक्टेड पार्टी या उसके वो उनके खिलाफ हुआ है या उससे उनका कुछ बुरा परिणाम हुआ है. तो आइडियली क्या है कि जो व्यक्ति आई डिड रॉन्ग उस व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि मैंने जो किया वो गलत है. तो उससे क्या होगा दूसरा व्यक्ति उतना स्वीकार करे और जो दूसरा व्यक्ति है योर सिचुएशंस वर बैड जो परिस्थिति में मैं समझ सकता हूँ. ऐसे नहीं कि मैं स्वीकार करता हूँ ऐसे नहीं मैं प्रसन्न हूँ तुमने जो किया तो बुरा किया पर जो तुम्हारी परिस्थिति थी मैं समझ सकता हूँ उस परिस्थिति. तो अगर ऐसे हम कर पाएंगे तो क्या होगा जो इस दुनिया में जो उपद्रव ये कलह वो कलयुग है ये कलह होते रहते हैं संसार धावान तो जो है इसमें छोटी बड़ी अग्नियां होती रहती है. तो आइडियली कैसे है कि दोनों व्यक्ति जब कोई बुरा घट जाता है तो जो पहला व्यक्ति जिसके जिसके कोई योगदान है उस बड़ा वो स्वीकार करता है मेरी गलती और दूसरा व्यक्ति स्वीकार करता है हाँ जो तुम परिस्थिति थी उससे क्या होगा जो जो बैड सिचुएशन है या तो हम उसको और वर्स बना सकते हैं या उसको हम बेटर बना सकते हैं. ठीक है जो हो गया वो हो गया अभी अभी मुझे इसको और खराब करना है अभी इसको हम हो गया उसको भी इम्प्रूव कैसे कर सकते. तो अगर जो व्यक्ति कहता है उसके दोनों उल्टा करते हैं जो जिसने गलती किया है वो सारा परिस्थिति बदल देता है और जो इससे प्रभावित हुआ है वो कहता है परिस्थिति छोड़ो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम. तो क्या होता है दोनों का जो संबंध है वो और खराब हो जाएगा शायद छूट भी जाएगा और उससे क्या होगा कि ये जो परिस्थिति है बुरी है वो और खराब हो जाएगी. शास्त्रों से जो प्रसंग होते हैं उससे केवल ये नहीं है कि हम कथा सुनते हैं और कथा से कुछ हमको अच्छी कथा सुनते हैं उसे और उससे अच्छा लगता है मनोरंजन होता है. वास्तव में इन इन कथाओं से जो कैसे जीना है जो जीवन में किस प्रकार की हमारी संपत्तियां आती है उनका सामना कैसे करना है यह भी हमें सिखाया जाता है. सारांश में हम समरी में देखते हैं आई टॉकिंग टू यू अबाउट कि जब कोई डीलिंग विथ मिसफॉर्च्यून जब कोई बुरी घटना हो जाती है तो उसे हम कैसे देखना है हम खास करके कई कई की भूमिका के रूप में देख करते हैं. तो मेनली वी डिस्कस थ्री पॉइंट्स. सबसे पहले देखा कि जब कोई बुरा चीज हो जाता है तो मिसफॉर्च्यून जब हो जाता है दुर्भाग्यवश घटना हो जाती है तो एक एक्सट्रीम है कि हम दूसरों को दोष देते हैं अदर्स मतलब यहाँ पे हम परिस्थिति भी बोल सकते हैं या हम खुद को दोष दे सकते हैं. तो दोनों जो है दोनों एक तरह से अनहेल्दी है. हमें क्या है पूरा जो होल पिक्चर है वो देखना है. जब हम ब्लेम करते हैं ब्लेम क्या होता है एक तरह से वो एंगर से हो सकता है वो ठीक है एंगर आके चला जाता है पर एंगर को जैसे हमें तक रहता है तो नफरत बन तो दिस ये बहुत बुरा है एंगर समझ सकते हैं हम. तो हम देखते हैं कि जो कई कई ने जो किया उसमें क्या उसकी गलती थी जरूर गलती थी पर उसको कहने को हम जिम्मेदार नहीं माना खास करके जो है उसको वहां पे कोई सजा नहीं दी जाती क्यों है. तो हमने देखा कि
जो रॉन्ग डूअर है, रॉन्ग डूअर का मूड देखना है, उनका भाव क्या है। हमने देखा कि दो प्रकार के हो सकते हैं एक्सट्रीम में, एक है पूरा का सर्कमस्टेंशियल और दूसरा है इंटेंशनल। सर्कमस्टेंशियल जब होता है तो क्या होता है, उसमें वो व्यक्ति को रिग्रेट और रिफॉर्म, सर्कमस्टेंशियल में दोनों होता है, इंटेंशनल में दोनों में से एक भी नहीं होता। तो जब कोई अच्छा व्यक्ति बुरा कार्य कर देता है, या जो कोई जब साधारण जानते हैं तो जो जो बैड एक्शन होता है, बैड एक्शन से हम कहते हैं कि व्यक्ति बैड पर्सन है, ये बुरा व्यक्ति है। तो ये निष्कर्ष कब वैलिड है, तीन चीजें होती है, क्या है वो उसको बुरा नहीं मान, बुरा उसको बुरा लगता नहीं है, बुरा है स्वीकार भी नहीं करता। तो व्यक्ति का जो भाव है वो देखना जरूरी है। और आखिरी जो है हमें एक है कि अगर हमें रेजोल्यूशन की ओर जाना है तो क्या करना है, जिस व्यक्ति ने गलत किया है और जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, तो जो रॉन्ग डूअर है और जो उसका अफेक्टेड, तो बेस्ट क्या है, रॉन्ग डूअर जो है वो देखता है कि मेरे जो एक्शंस के मेरे डिसीजंस ये रॉन्ग, और जो अफेक्टेड है वो देखता है ये परिस्थिति थी, सिचुएशंस वो बुरे थे। इससे क्या होता है, अभी जो डेस्टिनी होती है वो डेस्टिनी वास्तव में हमारी सिचुएशन निर्धारित करती है, हमारे डिसीजंस निर्धारित नहीं करती है। तो हमें डिसीजंस पे जिम्मेदारी लेना है, पर साथ साथ हम समझते हैं कि परिस्थिति के द्वारा कभी कभी क्या होता है, कुछ डिसीजंस यद्यपि दोनों अलग है पर ऐसे नहीं कि दोनों में कुछ भी संबंध नहीं है। कुछ परिस्थितियों में कुछ प्रकार के जो डिसीजन होते हैं वो लाइकली हो जाते हैं, लाइकली समझ सकते हैं क्यों किया होते हैं ऐसे, और वो बहुत ही अनलाइकली हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि कई वजह से किसी को जीवन में ऐसी परिस्थिति में आ सकता है व्यक्ति को कि वो ऐसे कार्य कर देता है, वो गलत कार्य है बट वो क्या है, इट इज एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती है बुरी, उसको उसको और बुरा करने के लिए हम कि ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ द बैड सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी का सवाल है? जो जो बार बार बैड एक्शन में फॉल कर रहे पर्सन की रिपीटेड एग्रीवेटेड नॉट कर रहे हैं, उसके लिए क्या भाव होना चाहिए? द पर्सन फॉल्स इन दिस कैटेगरी एंड वी आर द सफरर एंड व्हाट काइंड ऑफ, तो उस समय फिर वी हैव टू एटलीस्ट क्रिएट अ डिस्टेंस। कैसे है कि कम से कम वो व्यक्ति हमें हार्म ना करे या फिर वो दूसरों को भी हार्म ना करे। जब क्या होता है कि जब ये परिस्थिति होती है तो कोई इंटेंशनल रॉन्ग हुआ है, रिपीट रॉन्ग हुआ है, तो उस समय देयर आर मेनी थिंग्स। फर्स्ट इज सबसे पहले डिस्टेंस, तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि वो व्यक्ति को वो पावर में रहे कि वापस वो कर सके। तो मान लीजिए किसी को हम पैसा देते हैं, बॉरो करता है उनसे और देते नहीं वापस, क्या कोई जो है ना कि पैसे देता है वो कहीं ऐसे ही वेस्ट कर, तो फिर दूसरी बार उनको पैसा नहीं देंगे, तो बहुत मांगे तो दे देंगे, दूसरी बार किसी बार तो नहीं देंगे, तो डिस्टेंस क्रिएट कर। फिर उसके बाद में वी हैव टू डिसाइड वो व्यक्ति को डिसिप्लिन रखना, कि वो अंकल फैसला करेंगे कि आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है शायद वो कॉम्प्लिकेटेड है सारा करना, ये नहीं करना है, पर अगर वो बार बार हो रहा है तो फिर हम शायद वी हैव टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो डिसिप्लिन है कि साधारणतः ये क्षत्रिय का रिस्पॉन्सिबिलिटी,
क्षत्रिय मतलब जो ऐसे नहीं कि जो राजा कहते हैं, जो जस्टिस सिस्टम है, लॉ है, या जो भी मेन अथॉरिटी फिगर है ना, वो डिसिप्लिन करना वो साधारण अथॉरिटी फिगर का होता है। तो उनके पास जाना, उनको बोलना, फिर वो करना, तो वो डिसिप्लिन किसी करना शायद हमारे कैपेसिटी में हो सकता है, नहीं हो सकता। पर तो थोड़ा डिस्टेंस लाना, वो डिस्टेंस फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, जो भी हो सकता है, उससे एटलीस्ट वी प्रोटेक्ट दैट पर्सन फ्रॉम हर्टिंग अस। If that person is very close to you, that you can't maintain everything, that this hatred, this thing comes in the mind, how not to like give a rise to this hatred? मुश्किल है। जनरली क्या है फिर उससे होता है, तो कि हमारे जीवन में जो लोग होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में, उनका जो प्रभाव होता है सकारात्मक होता है, कुछ लोग होते हैं उनका नकारात्मक होता है। तो जो डिफिकल्ट पीपल होते हैं हमारे जीवन में, अगर वो हमारे जीवन में है ही नहीं, वी हैव दैट, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, देन एटलीस्ट अगर वो रेड स्किल्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो वी नीड टू क्रिएट सम स्पेस by which we have some relationship with some positive. ठीक है, इसमें अगर बहुत परेशान हो जाता हूँ तो मैं किसी और से बात कर सकता हूँ, उस समय से तो शांत रहा हूँ मन को। तो इसीलिए क्या होता है कि जो अगर हम एक कम्युनिटी के पार्ट हैं, तो क्या होता है कि एक रिलेशनशिप पे बहुत प्रेशर नहीं होता। तो क्या होता है कि अगर हमारे अलग अलग प्रकार के इमोशनल नीड होते हैं, और फिर वो एक व्यक्ति शायद हमें डिसअपॉइंट करता है, उससे हम और गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर अगर इसके अगर पार्ट ऑफ कम्युनिटी ब्रॉडर कम्युनिटी हो जाता है, तो क्या है कि ठीक है ये व्यक्ति आई हैव टू टॉलरेट, आई हैव टू लिव विद दिस, बट इफ आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अफेक्शन एंड काइंडनेस फ्रॉम दैट पर्सन, और फिर वो उसकी जगह पे वो क्रूएल्टी और हार्शनेस दिखाता है, तो वो डिसअसोसिएट हो जाए। पर अगर कोई और व्यक्ति है जिससे हमको अफेक्शन और काइंडनेस मिल रहा है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म, तो फिर क्या होता है कि ठीक है कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, तो फिर वो जो है वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स के बैलेंस। तो उसके कारण क्या है कि एक है हैविंग अ बैड रिलेशनशिप, पर अ बैड रिलेशनशिप प्लस लोनलीनेस वो डेडली कॉम्बिनेशन। वी मे हैव, वी कैन नॉट अवॉइड, कह सकते कर्म हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, जो भी हो सकता है, दैव हो सकता है, हम सबके ऐसे हमारे सबके हमारे ऐसे जीवन ऐसे लोग हो गए जिससे हमारी हिम्मत अच्छा नहीं होती, पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि किसी न किसी को भी अच्छा संबंध बनाना है, और फिर वहाँ पे क्या है जो हमारे भावनाओं को एक्सप्रेस करने का और थोड़ा पॉजिटिविटी लाने का हमें वहाँ पे सुविधा है। तो अभी कह के ही कि ये गलती नहीं थी उसे मंथरा को सुना, तो क्या है मंथरा भी उस समय तक ये मंथरा थोड़ी चिड़चिड़ी प्रवृत्ति की थी, मतलब उसकी आया के समान थी, बचपन से उसके साथ थी, तो कई कई हैड नो रीजन टू सस्पेक्ट मंथरा। जो मंथरा ने उस समय किया वो कहीं को उसका ऐसे ऐसे कुछ थोड़ा षड्यंत्र है, कुछ पता नहीं था, अंदाजा भी नहीं। तो मंथरा को सुनना ये कहीं कहीं गलती नहीं, पर जो मंथरा ने सुना बताया है उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं थी। क्या दशरथ महाराज जी पूछ सकते थे इतनी जल्दी क्या था? भरत को आना नहीं, आप उसके आगे करते हैं। लग रहा था कि जो दशरथ महाराज है पूरे कौशल्या के जंगल में फंस गए हैं, कौशल्या का द्वारा ये षड्यंत्र हुआ है, तो शायद वो वशिष्ठ मुनि पा जा सकते। वशिष्ठ मुनि वो कुल गुरु थे, गुरु मतलब क्या है कि भरत राजा बने या राम राजा बने, उनका पद जो था वैसे ही रहने वाला, तो उनके लिए कोई वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं थे, उनका स्वार्थ ही था, तो उनको जाके पूछ सकते। तो वो मतलब उनकी कहे की जो बड़ी गलती थी मंत्रा को सुनना नहीं था, पर जो एक संबंध से निगेटिविटी आ सकती है, पर कोई और संबंध न रखना, कोई और संबंध में ओपननेस न रखना, इसमें जाके किसी को पूछ सकते हैं। Between curiosity and enthusiasm, and one more, I'm just adding to it is, sometimes
things are coming, like always positive things coming to you and sometimes always negative things coming to you. At that time, what decision should you take and how should you react or respond? Not react. How should you respond at that time? Positive or negative? जी मतलब कभी positive भी होता है कभी negative भी. We understand the vibes, Prabhuji. Sometimes we understand, but we are not able to cope up with that. At that time, at that situation, what to do? Yes, it's a part of being human. हम सब मानव हैं, सब बंद अवस्था में हैं. तो क्या है कि जब हम सबके बाउंड्रीज होते हैं, क्या है कि सबको शायद गुस्सा आता है, पर गुस्सा भी आता है किसी को, शायद गुस्से में क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति होता है कुछ लोगों के गुस्से बोलते हैं वो एकदम साइलेंट होते हैं, कुछ बोलूंगा नहीं, उस कहेंगे वो साइलेंट ट्रीटमेंट वो होता है, पर कोई होता है कोई थोड़ा इरिटेबल होता है, बोलता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई आउटराइट होता है उनका दे रेज देयर वॉइस चिल्लाता है, कोई होता है दे रेज देयर हैंड्स, थोड़ा कोई और होता है तो वो उसके कुछ चाकू निकाल दो, अरे बाप रे, कोई और बंदूक निकाल दो, अरे अगर कोई व्यक्ति ऐसे है कोई अभी रशिया का हेड है या अमेरिका का हेड है वो पूरा एक न्यूक्लियर वेपन निकाल सकता है, तो क्या है कि अभी हम सबकी जब बाउंड्रीज होती है कुछ हद तक हमारी बाउंड्रीज सर्कमस्टेंस से आती है, क्या किसी गुस्सा भी आ जाए उसके बाद धन है तो वो शक्ति नहीं उसके पास, पर एक बाउंड्री आती है वो कॉन्शियंस से आती है, कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं करने वाला, कॉन्शियस हो सकता है, उसके कॉन्शियस भी कहाँ से आता है, मतलब वेग बुद्धि होती है, रियलाइजेशन हमें संस्कृति से आ सकती है, हमारे बुद्धि से आ सकती है, तो क्या है हर व्यक्ति के बाउंड्रीज होते हैं, तो अभी जो है कि वी ऑल हैव आवर बैलेंस, तो जो हमारा साधारण स्वभाव होता है साधारण मैं हम शायद वी आर नॉर्मली काइंड एंड जेंटल पोलाइट, पर जब गुस्सा आ जाता है तो हम हमारे नॉर्मल बिहेवियर पर दुख चले पर वो दूर जाते हैं, कितना दूर जाते हैं तो वो उसके भी बाउंड्रीज होते हैं, और आइडियली स्पीकिंग क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की अच्छा अपब्रिंगिंग है तो क्या है वो बाउंड्रीज बहुत बुरे नहीं होते, तो गुस्सा आ जाएगा गुस्से में आवाज बुरा बड़ा आवाज करेगा, पर कोई व्यक्ति गुस्सा आए तो गालियां देने लगता है, जो गालियां देने बहुत बुरी गालियां देते हैं, तो क्या है वो दैट इज अ लैक ऑफ कल्चर, संस्कृति नहीं, तो क्या है हर व्यक्ति के बाउंड्रीज होते हैं, और जब हम भक्ति करते हैं, जब शुद्धिकरण डिसिप्लिन लाना चाहते हैं शुद्धिकरण आते हैं, क्या होता है हमारे बाउंड्रीज धीरे धीरे और टाइट होने लगते हैं, तो थोड़ा सा तो हमारे नॉर्मल बिहेवियर से दूर जाएंगे ही, सबको ऐसे क्या है लाइफ टफ है, सबके जीवन में कोई प्रेशर आ जाता है, 10 चीजें गलत हो जाती है तो 11 चीजें गलत होती है तो गुस्सा आ जाता है, वो कितना जैसे एवरीबडी इमन से हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है और उससे एक ऐसे डिविएशन मतलब हम नॉर्मल बिहेवियर से दूसरे जाते, तो क्या है हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग, कि जब हमारा शुद्धिकरण ज्यादा हो जाएगा तो जो हाउ फार वो कम हो जाएगा तो हाउ लॉन्ग भी कम हो जाएगा, तो प्यूरिफिकेशन से दोनों डिक्रीज हो जाए, ये अपेक्षा करें कि कभी होगी नहीं गुस्सा आएगी नहीं, वो मुश्किल है, लाइफ इज टफ और हमारी कंडीशन होती है, तो शायद पहले गुस्सा आया तो क्या है एक दो घंटे तो हम कुछ नहीं कर पाते जो भी आएगा सोच ही लाते रहते, पर अभी यह गुस्सा आता है 5-20 मिनट तक रहता है कि तभी भी बुद्धि रहती है गुस्सा आ गया है और कुछ बोलेंगे गुस्सा है तो क्या है कि धीरे धीरे हम भक्ति करेंगे तो जो प्यूरिफिकेशन मतलब ऐसे नहीं है कि जो अशुद्धता थी आज है कल चल जाएगी, पर उसका जो प्रभाव है हम पर वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जब ऐसे प्रभाव कम होता है तो वी शुड अप्रिशिएट, अगर मैंने फैसला किया मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो गुस्सा करते हैं तो खुद को पीटने की जरूरत है कि मैं फैसला किया था तो गुस्सा क्या, अगर हम गुस्से को
जल्दी रोक पाए तो यस हम वी आर प्रोग्रेसिव तो वी ऑल नीड टू हैव सम बाउंड्रीज एंड देन वी कैन ट्राई टू जो हमारी बाउंड्रीज है उसको धीरे धीरे हमें टाइटन करनी है ताकि क्या है कि हमारे नॉर्मल बिहेवियर से ज्यादा दूर हम ले जाए प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि हर चीज को हम दो वे से हैंडल कर सकते वी नो कि ये पर्सन गलत है और ये पर्सन गलत कर रहा है बार बार गलत कर रहा है तो हम कौन होते हैं उनको जज करने के लिए फर्स्ट थिंग और लेट से हम उस पर्सन के संपर्क में आए तो हम उसको विथ हेट्रेड भी उसको जैसे आप डिस्टेंस कर सकते हैं या फिर लव हम मे बी उसको लव की जरूरत है हम उसको लव से भी करेक्ट कर सकते हैं तो लाइक मैंने एक लाइंस पढ़ा था हाउ पीपल ट्रीट यू इज देयर कर्मा हाउ यू रिएक्ट इज योअर्स तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव सीन पीपल इवन समटाइम्स फ्रेंड्स ड्रिफ्ट अपार्ट इफ द आइडियोलॉजीज आर नॉट मैचिंग इज इट द करेक्ट थिंग टू डू बिकॉज मेरा ऐसा पॉलिसी है कि वॉट एवर हैपन्स आई ऑलवेज कीप द लव इन माई लाइफ आई डोंट ब्रिंग हेट्रेड इन टू इट आई मे डिस्टेंस माई सेल्फ बट देर इज लव ऑलवेज सही कि अगर हम देखते हैं तो सही बात है there is a difference between जब कोई रॉन्ग होता है तो कोई गलत कार्य होता है तो there is a spectrum of responses क्या है कि we can just forget and forget we can forgive not forget now ये फर्क क्या है मैं धीरे बोलता हूँ बट वी कैन सीक जस्टिस एंड वी कैन सीक रिवेंज ये सारी चीजें एक चीज नहीं है अगर किसी ने एक बार कुछ गलती की है और वो उनके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है तो फिर बार बार गुजरे तुमने ऐसे किया था तुमने ऐसे किया था तुमने ऐसे किया था वो बोलने से क्या वो व्यक्ति ने जो गलती किया था उससे कुछ वो संबंध में परिणाम होने वाला नकारात्मक जो परिणाम होने वाला हुआ था उससे ज्यादा हम उनको बार बार वो याद दिलाकर वो उनकी जो पहली गलती थी वो एक हम एक गदा बने थे जिससे उनको पीटते रहते हैं तो एक ही बार कुछ हुआ है तो फिर फॉरगेट एंड कर दो वो अच्छा पर कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति जो कार्य करता है एक बार करता है दूसरी बार करता है तो कभी क्या होता है कि वो व्यक्ति हम उसको हाँ आप अच्छा व्यक्ति है तो व्यक्ति ये गलत कार्य करते हैं तो इसके बीच में मैंने हमारे पास बताएंगे मैं भी आज इसको मेंशन कर कि इन दोनों के बीच में एक और है कंडीशनल रॉन्ग कंडीशनल मतलब क्या है जो व्यक्ति के कंडीशनिंग से आती है सर्कमस्टेंसेस से नहीं बाह्य परिस्थिति नहीं व्यक्ति कंडीशनिंग से आती है इसमें क्या होता है व्यक्ति को रिग्रेट होता है और रिफॉर्म नहीं होता कोई व्यक्ति मानिए गुस्सा करता है बहुत गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है बाद में सही में सॉरी 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 मैं समझ अरे वो मतलब नहीं था ऐसे करना जा रहा पर अगली बार वापस ऐसे ही करता तो अभी क्या जब हम ऐसे होता है कभी बोले कि जानबूझ के गलती करते ऐसे कभी कभी क्या होता है कुछ व्यक्ति में जो क्रोध का कंडीशनिंग होगा बहुत ज्यादा होगा तो वो उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है वो चाह रहे हैं छोड़ना पर क्या है वो छोड़ नहीं पा रहे तो कुछ कंडीशनिंग से लाना होता है तो रिग्रेट है पर रिफॉर्म नहीं तो उस समय क्या करना है उस समय शायद जो है फॉरगेट बट डोंट फॉरगेट फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट ठीक है तुमने जो पहले गलती किया था उसको माफ करता हूँ पर इसका मतलब नहीं है कि ये तुम वापस अभी विश्वास पात्र हो कि मैं प्यार रखने में मान लीजिए आप किसी को पैसा देते हैं वो पैसा इसे गंवा देता है और वो वापस भी नहीं करता है तो अभी एक बार हो गया और बाद में अच्छे मित्र है वो तो उनको ठीक है पर बार बार अगर ऐसे हो रहा है तो ठीक है वी कैन बी फ्रेंड्स बट लेट्स नॉट हम पैसे पीछे नहीं जाएंगे तुम्हारे पास है तुम्हारी बात करने की बहुत जरूरत है पहले जो हुआ था वो वी कैन नॉट बी नाइव अभी देखिए महाभारत भागवत में वर्णन आता है कि जब वो देखिए उसने आठवां पुत्र होता है और वो आत्मस्वास्थ्य में वो कौन निकलते हैं सुभद्रा निकलते वो जो होती है वो
दुर्गा निकलती है। तो अभी कंस जो होता है दुर्गा की पूजा करता होता है, इसीलिए बड़ा आश्चर्य भी होता है दुर्गा कैसे आ गई। अगर दुर्गा अगर देवकी के गर्भ से आ गई, देवकी बहुत कुछ स्पेशल साधारण भी नहीं है, और इसलिए वो देवकी और वसुदेव से माफी मांगता है। वो कहता है मैं कितना बेरहम था कि छोटे छोटे बच्चों को मैंने मार डाला, और मुझे माफी मांगता है। तो वहां पे बताया है कि वसुदेव और देवकी इतने उदार चित्त के हैं कि उसको माफ कर देते। कोई अपने हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चे को मारता है उसको माफ करना आसान नहीं है, पर यहाँ वो माफ करते हैं। ये उनके बड़ी उदार चित्त दान दिल है, ये उनकी महानता है। पर ऐसे नहीं कि वसुदेव बोला वास्तव में ना जो हवा में हुए थे वो मेरा पुत्र नहीं था, मेरा पुत्र वृंदावन में है कृष्ण। वो बताते नहीं वसुदेव को, एक है महानता दूसरी है मूर्खता। अभी क्या है, ठीक है उसने माफी मांगी है, माफ कर दी उसको। फॉरगिविंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रस्टिंग। क्या उसका जो जैसे कि फॉरगिविंग और ट्रस्टिंग में फर्क क्या है, फॉरगिविंग इज फॉर द पास्ट, ट्रस्टिंग इज फॉर द फ्यूचर। जो भविष्य भूत के लिए है तो पहले जो किया है उसको मैं माफ कर दो, उसको तुम्हारे सामने आई वोंट होल्ड अगेंस्ट यू, पर फॉरगिविंग कैन बी गिवन, पर ट्रस्टिंग ट्रस्ट हैज टू बी अर्न्ड। तो क्या है कि लव रखना सही अच्छी बात है, इसको नफरत करना अच्छी बात नहीं है, बट दैट लव नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन एक्टिविटीज। तो जो स्नेह है प्रेम है वो उसको अलग अलग रिश्ते में आप करो, उसको हमें एक्सप्रेस करो। तो अभी जस्टिस भी होता है, जस्टिस भी कोई व्यक्ति हो सकता है लेकिन भगवान कविता में बताते हैं कि पांडव को अर्जुन को युद्ध करने को बता रहे हैं, अर्जुन को ये बताते हैं निर्वैरह सर्वघटेषु, अगर पांडवों को कौरवों से बदला लेना होता था तो फिर वो पांडव कौरवों के साथ ही युद्ध करते, धृतराष्ट्र को भी बहुत कुछ कह सकते थे, धृतराष्ट्र भी सहयोगी था उसका, और धृतराष्ट्र को पिता के समान आदर दे उसका। तो पांडव जो युद्ध किया है वो जस्टिस के लिए, तो रिवेंज जो है वो कभी नहीं करना है, वो जो है लव चलाता है प्रेम चलाता है पूरा नफरत आ जाता है। बट अभी ऑल थ्री कैन बी लविंग रिस्पॉन्सेस। जस्टिस मतलब क्या है कि वी आर नॉट फॉरगिविंग एंड वी आर नॉट फॉरगेटिंग ऑल्सो, पर क्या है कि बार बार हुआ है मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे समस्या हो, दूसरों को समस्या होगी, इसलिए जस्टिस जरूरी है। प्रभु जी एक रिलेटेड क्वेश्चन, रिग्रेट और रियलाइजेशन। रिग्रेट जो आप हमेशा हम आप लिख रहे हैं रिग्रेट, रिग्रेट और रियलाइजेशन उसमें क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है, जस्ट रिलेटेड टू दिस। देखिए जो रियलाइजेशन ये यू कैन से इट्स अ मच बिगर, रियलाइजेशन का सिंपल अर्थ है कि दैट व्हिच इज अ रियलिटी वी एक्सेप्ट इट टू बी अ रियलिटी। ओके, जो सत्य है उसको हम समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि ये सत्य है। तो रियलाइजेशन नई चीजों के बारे में हो सकता है कि रियलाइज ये हो सकता है कि इस जगत में जो भी चीजें होती है लोग होते हैं उससे सुख नहीं मिलता है, धन धन संपत्ति सुख नहीं मिलता है। तो ये जरूरी है जगह जगह जीवन में धन होना, पर कितना भी धन मिलेगा तो असंतुष्ट हो जाती है। तो हम आए बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, बहुत पैसा मिल जाता है, माई लॉटरी आ जाती है, मेरा हृदय संतुष्ट नहीं हुआ, तो तभी एक रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन कैन बी अबाउट एनीथिंग, कि जब हमारे घर में बहुत समस्या आती है पता कैसे मैं तुम्हारी समस्या से, और फिर कुछ ऐसे हो जाता है तो उसे निकल जाते देखते कि तो भगवान ने संरक्षण के लिए, तो गॉड प्रोटेक्ट्स, ये मेरा रियलाइजेशन। सो एनी ट्रूथ कोई भी जो पहले सत्य है तो उसको हम स्वीकार करते सत्य वो रियलाइजेशन है। जो रिग्रेट है, रिग्रेट जो है कि वो भी रियलाइजेशन का भाग हो सकता है, बट इट इज रियलाइजेशन द बिग सर्कल, उसमें रिग्रेट इज अ स्मॉल सर्कल। सो कैन वी से दैट रिग्रेट इज अ थॉट एंड रियलाइजेशन इज एन एक्शन। ओके, देन आई कंप्लीट। रिग्रेट मतलब क्या है कि आई डिड रॉन्ग एंड देन आई एक्सेप्ट आई डिड रॉन्ग, सो जो मैंने किया वो गलत था,
जब मैं ये स्वीकार करता हूँ तो वो एक तरह से रियलाइज नहीं okay. तो अभी इसमें से कौन सा एक्शन है, अभी रियलाइजेशन भी मन में हो सकती है. कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति को अगर जबरदस्ती कुछ डिसिप्लिन एक्शन देते हैं, तुमने गलत किया है तुमको ये करना पड़ेगा, कोई छोटा बड़ा गलत कार्य करता है तो उसको कम्युनिटी सर्विस बोलते हैं, तुमको 50 आवर्स कम्युनिटी सर्विस करना है. तो अभी कोई जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है, कोई युवक होता है, कोई बड़ा कार्य करता है, तो फिर जो कर रहा है वो उस एक्शंस कर रहा है, पर क्या अंदर से रिग्रेट है? कभी कभी क्या है कि जबरदस्ती करवाना पड़ता है, उसको लगता ही नहीं कुछ गलत किया. इसीलिए इन सेंस एक्शंस हो सकते हैं कभी कभी, पर इंटरनल नहीं हो सकता. तो जो रियलाइजेशन है वो इट इज अ पर्सनल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की सत्य है. और जो रिग्रेट है वो स्पेसिफिकली कि जो मेरी गलती है वो मुझे बुरा लग रहा. My question is like, कोई एक व्यक्ति है जो अपने है वो बहुत निगेटिव है, पर मेरा धर्म कहता है कि मैं उनकी इज्जत या सेवा भाव रखूं, पर उनके द्वारा की गई जो सब कुछ है वो बहुत ही मतलब मेंटल डिसऑर्डर कर देती है अक्सर. तो उसमें क्या मैं धर्म को ज्यादा प्रेफरेंस दूं उसमें, या फिर मैं अपनी मेंटल हेल्थ को ज्यादा रखूँ उसमें, जैसे बाउंड्रीज बनाऊँ या फिर छोड़ दूँ ऐसे. जैसे है कि धर्म जो है इट इज मल्टी लेवल. मतलब क्या है कि धर्म एक चीज नहीं है, हमारे अनेक धर्म हैं. एक मान लीजिए हमारे परिवार में हमारे पति या पत्नी के हमारा धर्म होता है, हमारे बच्चों के लिए धर्म होता है, हमारे माता पिता के लिए धर्म होता है, हम कोई समाज में होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली होती है, धर्म होता है, हमारा जॉब होता है, तो जॉब में कोई धर्म. मतलब क्या है कि वी ऑल बिलोंग टू सम लार्जर होल. मैं हूँ तो जो मुझसे बड़ा जो होल यूनिट है उसमें हाउ डू आई बिलोंग हारमोनियस, दैट इज धर्म. मतलब क्या, अगर मैं गाड़ी चला रहा तो फिर क्या है कि फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स इन अ धर्म, क्योंकि मैंने गाड़ी चला रहा हूँ तो क्या आई एम अ पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो जो भी बड़ा यूनिट है जिसमें हम बिलोंग कर रहे हैं उसमें हम कैसे प्रॉपरली बिलोंग कर सकते हैं, वो दैट इज धर्म. तो हमारा एक धर्म नहीं होता, अलग अलग धर्म होते. तो अभी अर्जुन को जो भगवद गीता की शुरुआत में जो धर्म संकट था, धर्म सम्मोह था, वो क्या था अर्जुन के लिए? अर्जुन को दो धर्म थे, वो एक धर्म और दूसरा धर्म. एक क्या था, उसका कुल धर्म था कि मैं इस कुल का यह कुल का मेंबर हूँ, कुल का सदस्य हूँ. कौन से? कुरु कुल का. और सारे कुरु कुल के ही लोग हैं, तो इसीलिए मेरे ही कुल के लोग हैं. पर दूसरा था क्षत्रिय धर्म कि मैं क्षत्रिय हूँ और जो गुनहगार है जो उनको सजा देना ये मैं करता हूँ. और वो तो उसके लिए क्या था, फाइट. कभी कौरवों ने अलग अलग प्रकार से गुनह किए, बुरे का अत्याचार किया. अभी अर्जुन को सवाल था कि अब मैं कौन सा धर्म करना. तो इसलिए अर्जुन ने कहा पृच्छामि त्वं धर्म समूढच्छे. धर्म क्या है समझ नहीं आना, क्योंकि धर्म एक चीज नहीं है, धर्म अनेक चीजें अनेक चीजें होती है. क्यों, क्या है कि हम कैसे है कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो आई बिलोंग टू वेरियस यूनिट्स. अभी अनेक यूनिट्स है उसमें वी ऑल बिलोंग. और कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग यूनिट्स जो है उसमें हम कार्य कर सकते. We can belong to various units. कभी कभी हम अनेक यूनिट्स के दोनों में हारमोनियस नहीं कर सकते. मान लीजिए हमारे को जॉब है और हमारे बच्चे का स्कूल में कुछ भी टेम नहीं, तो अगर दोनों एक समय पे आते तो शायद हमारा जॉब का डेडलाइन है तो एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमें बाद में करना. तो कभी कभी नहीं एडजस्ट कर सकते, कभी कभी एडजस्ट नहीं कर. फिर उस समय सवाल आता है क्या करना.
तो क्या होता है हमें तुम्हारी बुद्धि का इस्तेमाल करना है इसमें कि कौन सा धर्म जाना है और अर्जुन कभी समझ नहीं पा। तो भगवान क्या बताते हैं कि तुम्हारा परम धर्म क्या है कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सेवक हो और मेरे सेवक के रूप में तुम एक कुल में जन्म लिया है और तुम्हारा एक वर्ण में जन्म। तो ये दोनों भूमिकाएं जो है वो मेरी सेवा के रूप में और मैं धर्म संस्थापन करने के लिए आया हूँ। तो इसीलिए क्या है कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो जिससे कि तुम मेरा मेरे सेवा में रहते हो। तो ये मतलब क्या है कि वी हैव हम कह सकते हैं कि वी हैव मेनी फंक्शनल धर्मस। फंक्शनल मतलब क्या कि हमारे समाज में अलग अलग फंक्शन होते हैं तो उसके अनुसार हमारा धर्म होता है पर हमारा एक फंडामेंटल धर्म होता है। फंडामेंटल धर्म क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं और हमें भगवान की सेवा। तो अभी कौन से परिस्थिति में मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ वो व्यक्ति को खुद जिम्मेदारी लेकर कर सकता है। तो अभी हमारा हमारा फिजिकल या इमोशनल धर्म ये प्रोटेक्ट करना ये भी हमारा धर्म है। तो हमारा जो रिलेशनशिप है परिवार है वो भी एक धर्म है हमारा है। तो कभी कभी अलग अलग धर्म अलग अलग दिशाओं में काम कर सकते हैं। तो धर्म का मतलब एक ही नहीं है तो भी है मेरी धर्म सेल्फ प्रोटेक्शन। अभी भागवत बताया गया है कि जो शरीर है हमारा ये शरीर वास्तव में धर्म का बीज है। शरीर से ही हम ये हम धर्म कर सकते हैं और फिर उससे मुक्ति भक्ति ये सब प्राप्त कर सकते हैं। वो फल है वो एक अगर बीज ही नहीं है तो फल नहीं उगेगा। फल नहीं उगेगा तो फिर तो वृक्ष नहीं उगेगा। वृक्ष नहीं उगेगा तो फल नहीं आएगा। तो क्या है शरीर एक तरह से बीज है। शरीर के साथ हम हमारा धर्म करते हैं और धर्म के द्वारा फिर क्या होता है हम जो भी हमें प्राप्त कर रहे प्राप्त कर सकते। तो इसलिए अभी कौन सा धर्म किस परिस्थिति में ज्यादा महत्वपूर्ण है ये फैसला करना आसान नहीं। पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति में है कि उसको फिजिकल डेंजर तो फिर उस समय क्या करना है कि हमें एक धर्म को डिस्कोर्डेट करना। तो मैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए आया हूँ प्रचारक मेरा कर्तव्य तथा नॉर्मली पर भी सिंगापुर में आना है तो यहाँ पे थोड़ी लीगल समस्या है। सो वी नॉट मैं मिडिल ईस्ट में जाता हूँ UAE वहाँ पे जाता हूँ। तो वहाँ पे क्या है प्रचार करना महत्वपूर्ण है पर अगर मैं वहाँ पे साइप्रस जाऊँगा तो वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे वहाँ बैन कर देंगे वहाँ पे एनएस कर देंगे। तो क्या है उस समय के लिए ठीक है धर्म है ये कर्तव्य वस्त्र पहनना जरूरी है पर उससे बड़ा धर्म क्या है कि प्रचार करना। तो कभी कभी एक धर्म के लिए दूसरे धर्म को टेम्पररी सबॉर्डिनेट कर सकते। तो अगर मान लीजिए किसी को यूक्रेन में युद्ध हो रहा है यूक्रेन रशिया में युद्ध हो रहा है तो भी हम कुछ वक्त वहाँ से भाग के आ गए। तो अभी क्या था अमेरिका तो जब वो जा रहे थे तो वहाँ पे क्या है कि एक क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन था वो रेस्क्यू उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वी विल टेक केयर ऑफ योर क्रिश्चियंस। तो अभी ये भक्त थे उनके कुछ पत्नी थी उनके दो बच्चे थे तो अभी वो तो हरे कृष्ण भक्त बोले कि अगर मैं बोले भाई हरे कृष्ण हूँ मैं क्रिश्चियन नहीं हो तो तुम हम छोड़ेंगे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए उस समय। बट वो लेकिन दैट टाइम आई वाज बोर्न अ क्रिश्चियन था तो बोले कि आई टॉक्ड अबाउट माय बर्थ आई टोल्ड माय नेम आई डिडंट टेल माय इनिशियल नेम। और फिर वो बस ये अभी हमें अभी इंग्लैंड में स्कॉटलैंड में रिफ्यूज मिला है रिफ्यूज बने वहाँ पर वो अभी भक्ति कर। तो क्या है कि कभी कभी एक धर्म को हमें सबॉर्डिनेट करना पड़ता है। तो अगर फिजिकल सर्वाइवल की बात है तो फिर जो हमारा धर्म है ऐसे नहीं हम त्याग रहे हैं उसको सबॉर्डिनेट करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई कोई इतना डिस्टर्ब है कि दैट पर्सन इज ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग देयर ओन लाइफ व्यक्ति उस हद तक चले गया है तो फिर सेल्फ प्रिजर्वेशन
whether it is from attack by others or attack by our own mind. तो उस समय का self preservation के लिए क्या है कि जो भी हमें self preservation is a more important one. पर क्या जब हम तो physical violence अगर physical threat होता है तो वो easily समझ सकते हैं. अभी जो mental torture होता है या mental trouble होता है वो क्या होता है कि वो इतना tangible नहीं होता, clear नहीं होता. तो फिर वो कोई व्यक्ति कह सकता है कि उनको tolerate करना चाहिए, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं tolerate नहीं कर सकता हूँ. तो फिर क्या है कि उसको थोड़ा जो व्यक्ति हमारी पर्सन को समझ सकता है कि ऐसे मेजर डिसीजंस जो है वी कैन नॉट टेक देम ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन इमोशंस. क्या है कि कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, गाइड है, कोई मेंटर है, कोई जो हमारे मन को समझ सकता है, हमारी परिस्थिति को समझ सकता है, उसके आधार पर फिर मैं फैसला. जनरली क्या है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं कई बार इमोशंस स्ट्रांग होते हैं पर इमोशंस के कारण हम सबको भी डिसीजन ले. पर क्या होता है कि हमारे इमोशंस रिवर्सिबल होते हैं. आज लगता है कि मैं इसको बिल्कुल सहन नहीं कर सकता पर क्या होता है कभी कभी उसके कारण हम डिसीजन ले लेते हैं, वो डिसीजन इरिवर्सिबल हो जाते हैं. तो रिवर्सिबल इमोशंस के कारण हमें इरिवर्सिबल डिसीजन नहीं लेने की. जो भावना अभी आज आई है वो चली जाएगी, हर उसके कारण मैं ऐसा कार्य कर दू कि फिर वो उससे वापस कभी यू कैन नॉट गो बैक. तो वैसे नहीं होना. जो वाली और सुग्रीव की कहानी है कि उसमें क्या होता है कि वाली जब बच के आता है तो उसको जब देखता है कि सुग्रीव सिंहासन पे, तो एक से उसका संशय स्वाभाविक है. सुग्रीव ने जानबूझ के मुझे षड्यंत्र बनाया, वो गुफा में फंसा दिया और फिर वो सुग्रीव पे टूट पड़ता है. सुग्रीव उसको मारने का प्रयास, वो भी समझ सकते हैं, वो एक तरह से इमोशन था उसके उस कार्य कर दिया. पर क्या होता है जब सुग्रीव भाग जाता है तो फिर उससे सुग्रीव ने मेहनत भी नहीं की, सुग्रीव गद्दारी की वैसा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं और उसको पीछा करता है. और जो पीछा करके पकड़ नहीं पाता है जब वो किष्किंध के जहाँ पर उसको शाप होता है वाली को पहुंच नहीं पाता है तो फिर वो कहाँ था वो किष्किंध में. तो फिर तभी क्या होता है तुमने ऐसा गद्दारी की है, मैं बदला तो लेके रहूंगा. तभी क्या करता है वो तभी वो सुग्रीव जब चला जाता है सूर्य की पत्नी वहां पे राज में रहती है तो तभी वो सुग्रीव को पत्नी को ले लेता है. तो अभी ये जो कार्य है ये जो बाउंड्रीज वो क्रॉस हो गई तभी वो तेजी. उसके बाद में कई बार गुस्सा आता है और गुस्से में हम कुछ कार्य कर देते हैं और रिवर्सिबल इमोशंस के कुछ एक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल होते, कुछ एक्शन होते हैं वो तेजी. तो कम से कम क्या करना है इररिवर्सिबल एक्शंस में. तो वी हैव टू सेल्फ प्रिजर्वेशन इज आल्सो अ धर्म. और कभी कभी अलग अलग धर्म में अलग अलग धर्म खींचते हैं तो सोच समझ के विद प्रेयर विद कंसल्टेशन केयरफुल पेशेंट डिसीजन. हरे कृष्ण.